दुनिया में क्रूड ऑयल के बढ़ते रेट की वजह से महंगे होते तेल की चर्चा हर जगह है, लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर एक लीटर पेट्रोल की कीमत भारत में मिलने वाली एक टॉफी से भी कम है। जी सही सुना आपने, इस देश के नाम है दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने का रिकॉर्ड। ये है वेनेजुएला, जहां पर एक लीटर पेट्रोल की कीमत भारतीय करेंसी में है महज 68 पैसे। जी महज 68 पैसे। इतना तो हमारे यहाँ तेल की कीमतों में रोज़ाना उतार चढ़ाव भी हो जाता है। वेनेजुएला में साल 2016 में 20 साल बाद पेट्रोल के रेट बढ़ाए गए थे, जिसके बाद वहाँ पर पेट्रोल का ये रेट है। ज़रा सोचिए इससे पहले वहाँ पेट्रोल का क्या रेट होता होगा। इतने सस्ते पेट्रोल का मतलब क्या होता है ये ज़रा इन आंकड़ों से समझिए। वेनेजुएला में अगर आप 1200 किलोमीटर का कोई रोड ट्रिप मारते हैं तो आपके पेट्रोल का खर्चा आएगा महज 136 रुपये। वेनेजुएला में अगर आपके पास 14 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी वाली कोई बाइक है तो उसे फुल करवाने के लिए आपको देने होंगे महज 9 रुपये 52 पैसे। वहीं आपके पास 55 लीटर की कैपेसिटी वाली कोई सेडान कार है तो आपको उसे फुल करवाने के लिए पे करने होंगे 37 रुपये 40 पैसे। और वहीं 90 लीटर की SUV को फुल करवाने में आपका खर्चा आएगा महज 60 रुपये 30 पैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि वेनेजुएला में तेल इतना सस्ता क्यों है, तो आपको बता दें कि वेनेजुएला में दुनिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल ऑयल के भंडार है और वहाँ की सरकार पेट्रोल पर भारी सब्सिडी भी देती है। तो ये तो हुई वेनेजुएला की बात, चलिए अब बात करते हैं भारत और उसके पड़ोसी मुल्कों में पेट्रोल के रेट की। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक लीटर तेल की कीमत है 87 रुपये 70 पैसे, जिसकी भारतीय करेंसी में कीमत बनती है 51 रुपये 61 पैसे। इसे भारत के एवरेज फ्यूल प्राइस 80 रुपये 22 पैसे से कंपेयर करें तो एक लीटर के लिए हमें पाकिस्तानियों के मुकाबले 35.66% ज़्यादा पे करना पड़ता है। वहीं श्रीलंका की बात करें तो वहां प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 148 श्रीलंकन रुपये है, जो भारत के हिसाब से बनती है 63 रुपये 90 पैसे। यानी श्रीलंका के मुकाबले हम भारतीय एक लीटर पेट्रोल के लिए 20% ज़्यादा पे कर रहे हैं। वहीं डीजल की बात करें तो श्रीलंका में एक लीटर डीजल की कीमत भारतीय करेंसी में 47 रुपये 6 पैसे बनती है। वहीं नेपाल में एक लीटर पेट्रोल की कीमत भारतीय करेंसी में 68 रुपये 76 पैसे है तो डीजल की कीमत 57 रुपये 51 पैसे है। हमारे पड़ोसी देशों में सिर्फ चीन ही इकलौता ऐसा मुल्क है जहां पेट्रोल की कीमत भारत के मुकाबले ज़्यादा है। चीन में एक लीटर पेट्रोल की कीमत भारतीय करेंसी में बनती है 80 रुपये 78 पैसे और डीजल की कीमत है 72 रुपये 14 पैसे। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वालों की सूची में वेनेजुएला जहां पहले नंबर पर आता है, वहीं पाकिस्तान का नंबर है 32वां। और भारत की बात करें तो भारत इस सूची में 92वें स्थान पर आता है। भारत में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने का कारण अक्सर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते क्रूड ऑयल के रेट को बताया जाता है, जो आज के वक्त में है $80 प्रति बैरल। लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते वो ये है कि नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 9 बार बढ़ा चुकी है। आज की बात करें तो पेट्रोल पर टैक्स 100% के आसपास है, तो वहीं डीजल पर सरकार 66.48% टैक्स चार्ज कर रही है। इसमें एक्साइज ड्यूटी और वैट दोनों इंक्लूड है। 2014 में सरकार बदलने के बाद से ही पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 11 रुपये 77 पैसे और डीजल पर 13 रुपये 47 पैसे बढ़ाई जा चुकी है। वो अलग बात है कि पिछले साल अक्टूबर में एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये कम भी की गई थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू कलेक्शन एस्टीमेट के मुताबिक इस साल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगाए गए टैक्स से सरकार को 2.579 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होने का अनुमान है। ये 2013-14 के आंकड़ों से बेहद ज्यादा है। 2013-14 में सरकार की पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर लगे टैक्सेस से आमदनी थी 88,600 करोड़। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्सेस से कमाए थे 2.016 लाख करोड़ रुपए। खैर, आम आदमी की जेब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की मार से कटती जा रही है और सरकार को चाहिए कि अब वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स में कमी कर आम आदमी को थोड़ी सी राहत जरूर दे। वैसे भी साल 2019 में लोकसभा चुनाव सर पर हैं और सरकार कभी भी ये नहीं चाहेगी कि महंगाई का मुद्दा चुनाव में अहम बने। जाते जाते महंगाई पर आलेख धूमिल की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। एक आदमी जो रोटी बेलता है, एक आदमी जो रोटी खाता है,
एक तीसरा आदमी भी होता है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये आदमी कौन है? देश की संसद मौन है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।